हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सप्रेम नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बेटा आज हमारी पहली क्लास है एक नए चैप्टर की, इसका नाम है बच्चों मनी एंड बैंकिंग। यस बेटा, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करने वाले एक नए चैप्टर की, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र का ही एक नया चैप्टर है। जिस चैप्टर का नाम है बच्चों, चैप्टर का उसको बोलोगे यूनिट, जिस यूनिट का नाम है बच्चों मनी एंड बैंकिंग। ठीक है भाई, तो बेटा आज की इस क्लास में हम बिल्कुल एक फ्रेश, एक नई, एक बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल लाजवाब ऐसी यूनिट जिससे आपको मोहब्बत हो जाएगी, बट उस यूनिट की बात करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों, सब बच्चे बोर्ड पे लिखेंगे, यूनिट का नाम है बच्चों मनी एंड बैंकिंग, यूनिट नंबर टू मनी एंड बैंकिंग। ठीक, तो लिखिए भाई यूनिट टू, इकाई दो। और बेटा इस यूनिट टू का नाम क्या है? जी भैया, इस यूनिट टू का नाम है मनी एंड बैंकिंग। हिंदी में इसको बोला जाएगा मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है भाई, तो मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग नाम की यूनिट है जिसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बच्चों एग्जाम में कितने मार्क्स की आती है? ये यूनिट एग्जाम में 6 मार्क्स, 6 नंबर की ये यूनिट बच्चों एग्जाम में आती है, मनी एंड बैंकिंग। बेटा अगर मैं इसको बात करूंगा चैप्टर वाइज, तो आप कोई भी किताब उठाओगे, चाहे वो T.R. जैन हो, चाहे संदीप गर्ग, एनी बुक, कोई भी बुक हो, बेटा इस यूनिट नंबर टू को बांटा है 2 पार्टों में। बेटा एक पार्ट को बोला है मनी, तो एक चैप्टर बच्चे पूरा मनी के ऊपर है, मुद्रा के ऊपर है, और दूसरा पार्ट है बच्चों बैंकिंग, दूसरा चैप्टर पूरा बच्चों इसके ऊपर आपका बैंकिंग के ऊपर है। तो हम लोग जानेंगे आज बेटा, आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मनी चैप्टर। मनी वाला चैप्टर पूरा होने के बाद, मुद्रा वाला चैप्टर पूरा होने के बाद, मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है? बैंकिंग। ठीक है भाई, तो आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं मनी के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं भाई, शुरू करते हैं मनी को। लेकिन यार मनी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा बेटा? मनी तो अभी आया है ना, जो मनी है, जो मुद्रा है, वो तो अभी आई है। जब मनी नहीं था, जो मुद्रा नहीं थी, तब क्या था? आज से बहुत समय पहले, राजा महाराजों के टाइम पे, उस समय या उससे भी पहले, ठीक है, क्या था? तब थे नहीं, तब तो गांधी जी के नोट नहीं थे ना, तब तो नोटों पे गांधी बाबा नहीं छपे थे, तब क्या था उस दिन? क्या था? तो बड़ा उन समय में, उस जमाने में, अगर आप उस जमाने में जाएंगे तो उस जमाने की बात करते हैं, तो बच्चों उस समय मनी नहीं था। उस समय तो एक ही एक्टिविटी थी कि वस्तु के बदले वस्तु ले लो, कि मेरे पास जो वस्तु है, आपके पास जो वस्तु है, वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज कर लो और काम बना लो। तो पहले के टाइम पे जब मनी नहीं था, तब उस वाली स्थिति में, उस वाले केस बच्चों, वस्तु के बदले वस्तु को एक्सचेंज करके हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लेवल को, हम अपने कंजम्पशन को पूरा करते थे। ठीक है, और बेटा इस चीज को हमने क्या नाम दिया? इस चीज को बच्चों हम लोगों ने नाम दिया है बार्टर एक्सचेंज, जिसको हिंदी में हम लोग बच्चों बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो बेटा आज की इस क्लास में, ये आपके यूनिट नंबर टू में जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला कंसेप्ट है, उसका नाम है बच्चों क्या है? बार्टर एक्सचेंज। तो आप लिखेंगे, लिखो बच्चों, कंसेप्ट नंबर वन, जिसको बच्चों बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। तो अब ये बार्टर एक्सचेंज क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है बच्चों? बार्टर एक्सचेंज क्या है, इसको जानते हैं। तो देखो भाई, जब गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, कि मिस्टर ए के पास कोई गुड है, ठीक है जी, मिस्टर बी के पास कोई गुड है, तो जब गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, तो बच्चों हम लोगों ने इसको नाम दिया बार्टर एक्सचेंज। कि क्योंकि पहले के टाइम पर मनी नहीं था,
तो मिस्टर ए के पास कोई गुड्स थी, मिस्टर बी के पास गुड्स थी, मिस्टर ए को मिस्टर बी की गुड्स चाहिए तो जी ले ली, और मिस्टर बी को मिस्टर ए की गुड्स चाहिए तो भी गुड्स ले ली। तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया बच्चों बार्टर एक्सचेंज, जहाँ पर वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करके हम लोग अपनी जीविका को बच्चों चलाते थे, हम लोग अपने कंजम्पशन के लेवल को पूरा करते थे। बट आपने मूवीज भी देखी, मूवीज के अंदर भी होता है, ठीक है ना। एक मूवी आई थी जिसका नाम था, ऋतिक रोशन की मूवी थी, उसका बच्चों नाम था मोहनजोदारो। उस मूवी के अंदर ही बार्टर एक्सचेंज को दिखाया गया है, ठीक है, कि जहाँ पर ऋतिक रोशन और एक सामने वाला कस्टमर आपस में बार्टर एक्सचेंज करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखिए। इस नीचे कपड़े को रंग दो, दीवार पे लगा लो, ले लो। 8 गुनी गेहूँ के बदले 3 गुनी नील लेंगे। नहीं नहीं, 10 गुनी गेहूँ से कम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, 10 नहीं 8 गुनी। अरे पहले गुण तो देख, उच्च दर्जे का बीज, सही समय बुआई कटाई, नारा नदी के जल और आमरी गांव के प्रेम से सिंचाई, ये गुण है नील में, इसलिए 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। तो भाई आपने देखा क्लिप के अंदर कि जहां पर एक ऋतिक रोशन है और सामने वाला कस्टमर है, कस्टमर के पास गेहूं है और ऋतिक रोशन के पास नील है, तो वो नील को गेहूं के साथ एक्सचेंज करना चाह रहा है। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, इसी को हमने क्या नाम दिया, इसी को नाम दिया बार्टर एक्सचेंज। तो आई थिंक आपको बार्टर एक्सचेंज का मतलब समझ में आ गया होगा कि बार्टर एक्सचेंज होता क्या है। अभी कुछ दिन पहले जो मेरा भाई है, मेरे भाई से मैंने घड़ी मांगी, तो मेरे भाई ने मुझे घड़ी दे दी, लेकिन बदले में उसने मुझसे मेरा फोन मांगा, लेकिन अब तक उसको मैंने फोन नहीं दिया, ठीक है ना। देख रहे हो, फोन का नाम लेते ही कैसे आ गया और फोन लेके चला गया। तो ये भी एक बार्टर एक्सचेंज था कि मैंने मेरे भाई से घड़ी ली थी और बदले में वो मेरा जो है बेशकीमती फोन उठा के ले गया। क्लास के बाद मिलता हूं मैं उससे। खैर आप यहां देखो, तो भैया गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना, वस्तु के बदले वस्तु को एक्सचेंज करना ही बच्चों बार्टर एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। तो पहले के टाइम पे ये था, जब मनी नहीं था, जब मुद्रा नहीं थी, तो वस्तु के बदले वस्तु को बेचकर ही, वस्तु के बदले वस्तु को ले देकर ही बेटा विनिमय करते थे। लेकिन इसमें समस्या क्या आ गई, मनी क्यों आया जब बार्टर एक्सचेंज इतना मस्त चल रहा था कि मनी की नींद नहीं थी यार। तेरे पास वस्तु है, मेरे पास वस्तु है, अपनी वस्तु मेरे को दे, मेरी वस्तु ले जा। तो तेरे पास वस्तु है, मेरे पास वस्तु है, जब दोनों के पास वस्तु है तो इसकी नीड क्या थी, बीच में मनी क्यों आया, ये नोट क्यों आए बीच में, ये सिक्के क्यों आए, भाई इनका भी आना जरूरी था। बट याद रखना, कोई चीज़ तभी आती है, कोई चीज़ नई तब आती है जब पुरानी वाली में कोई समस्या हो। जब पुरानी वाली में कोई समस्या होती है तभी हम उसके स्थान पर नई को लेके आते हैं। ऐसे ही बच्चों, इसको कहीं और लेके मत जाना, ऐसे ही बच्चों बार्टर एक्सचेंज जो पुराना सिस्टम था इसमें कोई समस्या थी, इसीलिए पुराने वाले सिस्टम को हटाया और एक न्यू सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया। बार्टर एक्सचेंज के स्थान पर हम लोग मनी को लेकर आए, हम लोग बच्चों मुद्रा को लेकर आए। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसी क्या कमियां थी बार्टर एक्सचेंज के अंदर जो आपने इसको हटाया और मनी को लेकर आ गए। इतना मस्त चल तो रहा था पुराने जमाने में, ऋतिक रोशन भाई साहब भी तो एक्सचेंज कर रहे थे, इतना मस्त काम चल तो रहा था, तो क्या जरूरत थी कि आप बार्टर एक्सचेंज को हटाए और इसके स्थान पे मनी को लेके आ गए। तो भैया अब हम जानते हैं कि हम बार्टर एक्सचेंज को हटाकर मनी को क्यों लेकर आए, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं, आप डालो हेडिंग। अच्छा एक बात और बच्चों और सुन लो, तो बार्टर एक्सचेंज का मतलब तो क्लियर था आप लोगों को कि जहां पे क्या होता है, गुड्स वर एक्सचेंज विद गुड्स, जहां पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते, गुड्स वर एक्सचेंज्ड विद गुड्स, जहां पे गुड्स के बदले वस्तु के बदले वस्तु को एक्सचेंज करते, उसको बच्चों हमने क्या बोला, उसको हमने बोला बार्टर एक्सचेंज। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी, ऐसा क्षेत्र, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी जहां पे गुड्स के बदले वस्तु के बदले वस्तु का ही एक्सचेंज हो, जहां पे गुड्स के बदले वस्तु का ही एक्सचेंज होता है,
बच्चों उस इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। बेटा क्या बोला मैंने, उस अर्थव्यवस्था को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सीसी इकोनॉमी, उसको हम लोग सीसी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहां पर सी का मतलब क्या होता है जी, जहां पर सी का मतलब होता है कॉमोडिटी। नलायको सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉमोडिटी जी भैया, सी का मतलब होता है वस्तु, ठीक है भाई। तो जहां पर गुड्स के बदले गुड्स को, फॉर एग्जांपल यार ये अभी भी होता है, अगर आपको नहीं याद ये अभी भी होता है, आप गांव में जाओगे तो गांव में तो आज भी जो दुकानदार है वो बोलते हैं कि घर से गेहूं ले आओ और गेहूं के बदले आपको जो सामान चाहिए आप वो सामान ले जाओ। तो रूरल इकोनॉमीज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये एक्टिविटीज तो आज भी होती है यार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था छोड़ो, दिल्ली के अंदर, दिल्ली मीन्स आपके सिटी के अंदर भी होता है। आपने शायद कभी नोटिस किया हो कि गलियों में, अब तो खैर कम आते हैं, आते थे पहले के टाइम पे, कि जूते चप्पल पुराने दे दो, कि पुराने जूते ले लेंगे चप्पल ले लेगा और उसके बदले आपको कांच के कप या कांच के ग्लास मिलते थे। या फिर ऐसे भी आते थे कि अगर घर में कोई फटे पुराने कपड़े हैं तो फटे पुराने कपड़े दे दो और उसके बदले आपको कोई टब या कोई बाल्टी मिल जाती है। तो ऐसा भी होता है, इसलिए भी क्या, ये भी तो एक बार्टर एक्सचेंज ही है, जहां पर एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को एक्सचेंज हम लोग कर रहे हैं। समय में आ गया? तो भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीसी इकोनॉमी, ठीक है ना, सीसी अर्थव्यवस्था, जहां पर गुड्स के बदले गुड्स को, वस्तु के बदले वस्तु को एक्सचेंज करते हैं। तो अब जब इतना सब मस्त चल रहा था, इतना सब बढ़िया चल रहा था, ठीक है, तो समस्या क्या आ गई। तो भैया अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, कंसेप्ट नंबर वन के अंदर ही बच्चों, बार्टर एक्सचेंज की कमियां, इसकी क्या कमियां थी, इसके स्थान पे मनी को क्यों लाया गया। तो डालो हेडिंग बच्चों क्या, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। बड़ा हिंदी में लिखो, वस्तु विनिमय की कमियां, वस्तु विनिमय की कमियां, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। अब वस्तु विनिमय की क्या कमियां हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस है, इसको हटाकर मनी लाया गया, बार्टर एक्सचेंज इतना बढ़िया चल रहा था तो उसके स्थान पर मनी लाया गया, तो वैसे क्यों किया गया। तो देखो भाई, सबसे पहली कमी, समस्या नंबर वन क्या थी बार्टर एक्सचेंज के अंदर। तो बेटा बार्टर एक्सचेंज के अंदर सबसे पहली समस्या थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, बड़ा हिंदी में लिखते हैं इसको, दोहरे संयोग का अभाव। अब ये क्या है भाई, देखो दोहरे संयोग का अभाव, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का बच्चों ये मतलब है सिंपल सा, कि भाई देखो मान लो ये ए है ये बी है, भाई ए के पास है राइस और भाई बी के पास है शुगर। अब एक के पास राइस है, एक के पास शुगर है, अब ए को तो शुगर चाहिए, तो ए जाएगा बी के पास, बोलेगा कि भाई मुझसे राइस ले लो और मेरे को शुगर दे दो। तो ए को तो शुगर चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, बी बोलता है भैया लेकिन मेरे को तो राइस नहीं चाहिए, मेरे को चावल नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हें तो शुगर क्यों दूं। अब समझ मार क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अल्टीमेटली बार्टर एक्सचेंज में ये था कि जो एक कस्टमर है उसको, या फिर जो एक पर्सन है उसको, ऐसा पर्सन ढूंढना होता था कि जिसके पास जो वस्तु है वो मेरे को चाहिए और मेरी वस्तु उसको भी चाहिए हो। इट मीन्स ए को कोई ऐसा बंदा ढूंढना है जिसके पास शुगर भी हो और उसको राइस की भी नीड हो। भाई बी के पास शुगर तो है, ए को शुगर चाहिए, तो ए तो बोलेगा भाई एक्सचेंज कर लो, लेकिन अगर बी बोला मेरे को चावल चाहिए ही नहीं तो बी शुगर क्यों देगा। स्वयं मतलब ए को कोई ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसको राइस की नीड हो और बदले में उसे क्या मिल जाए, बदले में उसको शुगर, बदले में उसको चीनी मिल जाए। और ऐसा बेटा बहुत ही कम होता था, कि बहुत ही कम चांस थे ऐसा पर्सन मिल जाए। इसको ही क्या बोला गया, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, कि दोनों तरफ से कोइंसिडेंस, डबल मीन्स दोनों तरफ से संयोग होना मुश्किल था, कि संयोग मीन्स बोलते ना कि तो कोइंसिडेंस हो गया, कि संयोग हो गया कि जो मेरे को चाहिए वो आपके पास और जो आपको चाहिए वो मेरे पास है।
तो डबल कोइंसिडेंस का मतलब है कि दोनों तरफ से संयोग होना चाहिए कि जो उसको चाहिए वो मेरे पास हो, जो मेरे को चाहिए वो उसके पास हो। लेकिन ऐसा बार्टर एक्सचेंज हमेशा पॉसिबल नहीं था और बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाती थी। इसलिए बार्टर एक्सचेंज की सबसे बड़ी और सबसे पहली कमी यही थी कि यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस दोनों तरफ से संयोग होना काफी मुश्किल था कि जो उसको चाहिए वो मेरे पास हो, जो मेरे को चाहिए वो उसके पास हो। तो ये थी समस्या नंबर वन बार्टर एक्सचेंज के अंदर। ठीक है भाई, समस्या नंबर दो कि और किन कारणों से बार्टर एक्सचेंज को भगाया गया और क्या कारण थे। तो भैया सेकंड कॉज बचा था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, मूल्य की सर्वमान्य मापक का अभाव। अब देखो भाई इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब बच्चों ये है कि बार्टर एक्सचेंज के अंदर किसी भी वस्तु को मेजर करने के लिए, किसी भी वस्तु को मापने के लिए कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं थी। मतलब कि आज के टाइम पे क्या है भैया, आज के टाइम पे तो मनी है, आज के टाइम पे तो आपको कुछ भी मेजर करना हो, आज के टाइम पे आपको कुछ भी मेजर करना हो तो आप एक सुई से लेके, आप एक सुई से लेके एक एयरप्लेन तक आप आज के टाइम पे हर चीज मनी में मेजर कर सकते हो। लेकिन क्या बार्टर एक्सचेंज में से था? नहीं। आज के टाइम पे तो रुपीज है, आज के टाइम पे हम आप हर चीज को एक रुपए, दो रुपए, कितने रुपीज में, हर चीज को आप रुपीज में मेजर कर सकते हो। अमेरिका में हर चीज को हम लोग डॉलर में मेजर कर सकते हैं। लेकिन बार्टर एक्सचेंज में मनी था ही नहीं, तो वहां पे क्या था, वहां पे एक गुड्स की वैल्यू को दूसरे गुड्स में एक्सप्रेस करते थे, एक गुड्स की वैल्यू को दूसरे गुड्स में एक्सप्रेस करना पड़ता था, जिससे कि बच्चों समस्या काफी उत्पन्न हो जाती थी क्योंकि वहां पर कोई भी कॉमन यूनिट नहीं है। ठीक है, तो एक गुड्स को दूसरे गुड्स में एक्सप्रेस करना पड़ता था, जिसकी वजह से किसी एक पार्टी को, बेचने वाले खरीदने वाले को लॉस होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर बार्टर एक्सचेंज में एक पर्सन कोई ए है, अगर बार्टर एक्सचेंज में कोई एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, तो इनको अपनी गुड्स को, अपनी वस्तुओं को बच्चों दूसरे गुड्स में एक्सप्रेस करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा मान लो इनके पास चार मुर्गी है, बेटा क्या है इनके पास चार मुर्गी है, तो ये चार मुर्गी की वैल्यू एक्सप्रेस करते थे किस चीज में, दूसरे गुड्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर चार मुर्गी चाहिए तो आपको एक भैंस देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो अब बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग, हम कंपेयर कर रहे हैं कि चार मुर्गी बराबर एक भैंस, कि चार मुर्गी के लिए एक, मतलब चार मुर्गी इक्वल टू एक भैंस। अगर आपको चार मुर्गी खरीदनी है तो आपको एक भैंस देनी पड़ेगी। अब भाई मान लो कि बी आया, अब बी आया और बोलता है कि ए महाशय मेरे को केवल दो मुर्गी चाहिए, तो अब इस वाले केस में क्या ये बोलेगा कि चलो एक काम करो, दो मुर्गी चाहिए ना, अपनी भैंस को आधा काटो और अपनी आधी भैंस काट के मेरे को दो। ऐसा थोड़ी होगा भाई कि अपनी आधी भैंस काट के मेरे को दो तब मैं आपको दो मुर्गी दूंगा। अब फिर क्या फायदा भैंस का, फिर क्या फायदा भैंस का, अगर आप भैंस मरवा रहे हो तो क्या फायदा उसका। तो उस टाइम पे एक गुड्स को दूसरी गुड्स में एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल होता था, इसमें से किसी एक पार्टी को लॉस झेलना पड़ता था। क्या पता अब ए महाशय को फायदा हो जाए कि एक भैंस पूरी मिल जाए और दो मुर्गी देनी पड़ जाए। तो ऐसे केसेस में जब एक गुड्स को दूसरे गुड्स में एक्सप्रेस करते थे तो बायर को या सेलर को किसी एक को लॉस झेलना पड़ता था। और वैसे भी यार गुड्स के बदले गुड्स को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, अगर मान लो कि एक बंदा सी आया, अब उसके पास भैंस है ही नहीं तो वो तो मुर्गी खरीद नहीं पाएगा, उसके पास भैंस है ही नहीं तो वो तो मुर्गी ले नहीं पाएगा। ठीक है, या फिर मान लो उसके पास एक भैंस तो है अब, लेकिन ये भैंस थोड़ी कमजोर है, तो क्या बोलेगा, नहीं कमजोर भैंस है मैं नहीं देकर देने वाला। तो ये कोई लॉजिक थोड़ी है, आपने लिखा ओनली एक भैंस, अब आप कमजोर भैंस बोल के चार मुर्गी नहीं पे कर रहे। लेकिन अगर क्या होता, कॉमन यूनिट होती, कॉमन यूनिट मीन्स अगर आप, अगर लिखता मैं ऐसे कि चार मुर्गी बराबर 200 रुपए, तो इस वाले केस में अब हर बंदा खरीदने के लिए रेडी था, बिकॉज हर बंदे के पास पैसे है। लेकिन अब इस वाले केस में चार मुर्गी बराबर एक भैंस, तो बस भैंस वाले बंदे आ पाएंगे, जिनके पास भैंसे होगी केवल वही आ पाएंगे
इसके पास डील करने के लिए और आ ही नहीं पाएगा। दूसरा कि कोई कॉमन यूनिट नहीं है, तो भाई क्या पता किसको लॉस किसको किसको लॉस किसको प्रॉफिट। तो भैया किसी भी गुड्स को क्या था इसके अंदर कि बार्टर एक्सचेंज में जो गुड्स है उनको बच्चों कॉमन यूनिट एक चाहिए थी, उनको हम लोग ऐसे ही किसी भी चीज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। गुड्स एंड सर्विस का प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो सकता था, कोई भी प्रॉपर कॉमन वैल्यू को नहीं निकाला जा सकता था। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया आपके क्या दो कमियां आ गई कि ये दो कमी क्या है। कमी नंबर तीन, समस्या नंबर तीन क्या मिली बार्टर एक्सचेंज में और क्या कमी थी बार्टर एक्सचेंज में और क्या समस्या थी, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, संचय के मूल्य का अभाव, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, संचय के मूल्य का अभाव। यस बेटा, बार्टर एक्सचेंज में एक समस्या यह भी थी कि चीजों को हम लोग स्टोर नहीं कर पाते थे, क्योंकि स्टोरेज करने के लिए या तो हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए मोर स्पेस, ज्यादा स्पेस चाहिए, और चीजें पेरिशेबल नेचर की, बेटा पेरिशेबल मीन्स नाशवान प्रकृति की होती थी, जिसकी वजह से उसको हम लोग लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे। जैसे कि एग्जांपल देखो बेटा, मान लो कि मैंने एक्सचेंज करा, भाई बाटर एक्सचेंज था, मैंने गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करा, बदले में क्या मिली बेटा, बदले में मेरे को मिली भैंस। क्या मिली बच्चों? भैंस। तो बदले में मुझे भैंस मिली और मैं उस भैंस को लेकर आ गया। ठीक, अब यार मेरा खुद का एक छोटा सा कमरा है, अब उस कमरे में मैं भैंस को स्टोर करूं या खुद सोऊं, मैं खुद भी सो रहा हूं और भैंस को स्टोर भी कर रहा हूं, तो सोचो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को कि मैं खुद भी सो रहा हूं और साथ में भैंस भी सुला रहा हूं, मतलब भैंस को भी स्टोर कर रखा है। सुबह सुबह मैं तो स्मेल से मर जाऊंगा भाई, वो तो सुबह सुबह अपना पेट खाली कर देगा स्मेल से, तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो भैया मोर स्पेस की चीज़ों को स्टोर करने के लिए अधिक स्पेस चाहिए था। या फिर दूसरा बेटा, मान लो कि मैंने एक्सचेंज करा और एक्सचेंज करके बेटा बदले में मैं ले आया 20 किलो टमाटर। अब एक बात बताओ, 20 किलो टमाटर बदले में लेके आ गया, क्या करूँगा मैं इसका? 5 दिन बाद ये सड़ना गलना शुरू हो जाएंगे, तब क्या करूँगा मैं? तो वस्तु जो होती थी वो नाशवान प्रकृति की होती थी, मतलब मैं ले आया 20 किलो टमाटर, इसलिए ले आया कि भविष्य में मैं इन टमाटर को बेच बेच के और वस्तुएं ले लूंगा। लेकिन कैसे ले लूंगा भाई, टमाटर 5 दिन बाद सड़ जाएगा, तो मैं इनको भविष्य में कैसे बेच पाऊंगा? तो वस्तुएं नाशवान प्रकृति की होती थी, या वस्तुओं को अधिक स्पेस चाहिए होता था, जिसकी वजह से बार्टर एक्सचेंज में ऐसा पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से मनी को मुद्रा को लाया। बिकॉज मनी तो भैया आप कहीं भी स्टोर कर लो, आप तो 5 करोड़ को जरा सी जगह में आप 5 करोड़ को स्टोर कर सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि मनी पहला उसको ज़्यादा स्पेस की नीड नहीं है, दूसरा पेरिशेबल नेचर का नहीं होता मनी। अगर आज आपने एक स्थान पे 10 लाख रुपए रखे तो आपको 1 साल बाद वहाँ पर 10 लाख रुपए ही मिलेंगे। अगर कोई नोट पुराना हो गया तो नोट की वैल्यू कम नहीं होती, 50 का नया नोट भी है 50 का पुराना नोट भी है, तो नोट की वैल्यू दोनों सेम है। अगर मनी कोई पुराना होता तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती, मनी नाशवान प्रकृति का नहीं होता, वो पेरिशेबल नेचर का नहीं होता। तो इसकी समस्या को दूर किया मनी ने। तो बार्टर एक्सचेंज में ये समस्या थी कि हम, आप ऐसे बोल सकते हो अच्छे टेक्निकल टर्म्स में, आप टेक्निकल टर्म्स में बोल सकते हो कि बार्टर एक्सचेंज के अंदर हम लोग अपनी परचेजिंग पावर को, अपनी क्रय शक्ति को स्टोर नहीं कर सकते थे। मतलब मेरे कहने का ये कि अगर मान लो आज आप मनी स्टोर करते हो, अगर आज आपने 10 लाख रुपए स्टोर कर रखे हैं, इट मीन्स आपके पास 10 लाख रुपए की परचेजिंग पावर है। परचेजिंग पावर मीन्स बाइंग कैपेसिटी, खरीदने की क्षमता, कि आज आपके पास 10 लाख रुपए की खरीदने की क्षमता, भविष्य में आप 10 लाख रुपए तक का कुछ भी खरीद सकते हो, आपने अपनी परचेजिंग पावर को स्टोर कर लिया। लेकिन क्या बार्टर एक्सचेंज में वस्तु को लंबे समय तक स्टोर कर पाते थे? बार्टर एक्सचेंज में वस्तु को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते थे, उसको जल्दी ही बेचना पड़ता था, क्योंकि वो नाशवान प्रकृति की थी, जल्दी खराब होने वाली थी। इट मीन्स बार्टर एक्सचेंज में हम अपनी इनकम को, जो हम कमा के लेके आए या हम जो हम लोग एक्सचेंज करके लेके आए, हम उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, हमको जल्दी ही उसको बेचना पड़ता था। इट मीन्स क्या,
हम अपनी खरीदने की क्षमता को, परचेजिंग पावर को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। समय में आ गया? ओके, तो ये तो बच्चों हो गया आपका तीसरा, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। समस्या नंबर चार क्या थी? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। बड़े हिंदी में लिखो, स्थगित स्थगित भुगतानों के मापक का अभाव। अब इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट्स क्या होता है पहले जाना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड पेमेंट्स? बट डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है ऐसी पेमेंट जिसका भुगतान हमको भविष्य में करना है। द पेमेंट विच कैन बी पेड इन फ्यूचर, जिसको हमको फ्यूचर में पे करना है उसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब अच्छा होता है फ्यूचर, ठीक है ना। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, ठीक है। डेफर्ड मीन भविष्य। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब यह है कि बार्टर एक्सचेंज में भविष्य में की जाने वाली पेमेंट को मेजर करना मुश्किल था। एग्जाम्पल से समझते बेटा, एग्जाम्पल समझो कि बेटा मान लो कि मैं जो है एक छोटा किसान, मैं गरीब सा किसान हूं। अब भाई मैं छोटा सा गरीब सा किसान, मैंने क्या करा, मैं गया गांव के साहूकार के पास और जाके बोला कि बाऊजी बाऊजी मेरे को ना एक बोरी चावल दे दो, मेरे को एक बोरी चावल दे दो, मेरे पास इस बार चावल की खेती नहीं हुई है, मेरे घर पे बीवी बच्चे भूखे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उनको जो है कुछ खाने को लेके जाऊं। अब मैं उस साहूकार के पास गया और साहूकार के पास जाके मैंने उनसे क्या मांगे, चावल मांगे, और साहूकार ने मेरे को चावल लाके दे दिए। इट मीन्स उधार में एज ए लोन के रूप में, भाई तब तो पैसा नहीं था ना, तब तो मुद्रा नहीं थी, तब तो मनी नहीं था, तब तो 500 हजार 2000 का पिंक 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 वाला नोट जो होता है ना, पिंक लिप्स पिंक, तो 2000 का पिंक वाला नोट भी नहीं था ना, तो 500 का नोट मतलब कुछ था ही नहीं। तब तो बस क्या था भैया आपका वस्तु थी। तो मैंने क्या करा, मैं एक किलो चावल लेके बाऊजी से साहूकार से अपने घर पे ले आया। अब जब 4-5 महीने बाद चावल की खेती हुई तो मैंने क्या करा, जब मैंने चावल उगाए तो मैंने एक बोरी में चावल बांधे और वापस उनको दे के आने लग गया। अब एक बात बताओ, आज के टाइम पे क्या होता है, अगर आज के टाइम पे हम किसी पर्सन से उधार लेके आते हैं कुछ चीज, अगर आज के टाइम पे हम किसी पर्सन से उधार कुछ चीज मीन पैसा, अगर आज के टाइम पे मैं बैंक से या किसी भी दोस्त से कुछ भी पैसा उधार लेके आता हूं कि भाई मान लो कि मैं जो है ना पैसे, ये सारे पैसे उधार लेके आ गया, अब जो पैसे मैं उधार लेके आया जब मैं इनको वापसी करूंगा तो मेरे को इस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हाँ जी मेरे को उस पर ब्याज पे करना पड़ेगा। लेकिन पिछले टाइम की बात करें, पुराने जमाने की बात करें, मैं एक बोरी चावल लेके आया, अब मैं वापस जब एक बोरी चावल देने जाऊंगा तो क्या मैं ब्याज के नाम पे एक थैली में चावल और ले जाऊंगा कि बाऊजी ये लो आपके एक बोरी गेहूं, वो एक बोरी चावल बोरे, और देखो मैंने ना उधार लिया था, तो देखो तो एक थैली में ना आधी किलो की थैली में ये ब्याज के रूप में चावल, ऐसा होता है क्या भाई? ऐसा तो नहीं होता। वो क्या, वो भी क्या सोचेगा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी खेती है, अब एक एक थैली चावल से मेरा क्या होगा? उसने मेरी हेल्प कब करी? उसने मेरी हेल्प तब करी जब मेरे को बहुत समस्या थी, जब मेरे को बहुत नीड थी, उसे तब मेरी हेल्प करी। और जब फसल जब सबकी अच्छी फसल है तो अगर मैं उसको एक बोरी चावल के साथ एक थैली में चावल और दे रहा हूं तो क्या फायदा उसको? उसको कोई फायदा नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि जिस क्वालिटी के चावल मैं लेके आया था क्या कंपलसरी है कि मैं भी उसको वापस उसी क्वालिटी के चावल करूंगा? नहीं, कंपलसरी नहीं है कि जिस क्वालिटी की चीज मैं लेकर आया था मैं उसी क्वालिटी और उसी क्वांटिटी में चीज को वापस कर पाऊं, ऐसा कंपलसरी नहीं था। समझ में आ गया? तो यही समस्या थी किस चीज के अंदर, बार्टर एक्सचेंज के अंदर, कि हम अगर कोई भी लोन लेकर आते हैं, उधार में चीज लेकर आते हैं तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट पर लगने वाला इंटरेस्ट, इसको निकालना काफी मुश्किल था। दूसरा, जिस क्वालिटी की चीज, मान लो टमाटर लेके आया,
अब कंपलसरी है कि जब मैं टमाटर वापस करने जाऊंगा तो उसी क्वालिटी के टमाटर वापस करके आऊंगा। जी नहीं, ऐसा बार्टर एक्सचेंज के अंदर पॉसिबल नहीं था। तो इसी को हमने क्या नाम दिया, इसी को नाम दिया लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्थगित भुगतानों के मापक का अभाव। समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली फ्यूचर पेमेंट करना काफी मुश्किल था, किसमें, बार्टर एक्सचेंज के अंदर। तो भैया कितनी कमी हो गई, ये तो हो गई बार्टर एक्सचेंज की चार कमियां, ठीक है बेटा। बढ़ते आखिरी कमी की ओर, अपनी कमी नंबर पांच की ओर, लिखो लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य के हस्तांतरण का अभाव। क्या बार्टर एक्सचेंज में एक चीज को यहां से वहां ट्रांसफर करना पॉसिबल था? पॉसिबल है, अगर स्पेस मीन्स अगर आपके पास जो है, अगर आप कम एरिया में यहां से केवल थोड़ी दूर तक सामान लेके जाना हो। लेकिन मान लो, एज्यूम करो कि मैं हूं, अब मेरा एक दोस्त है, अब भाई मेरे दोस्त की जो वाइफ है उसकी तबीयत खराब हो गई, सुनना बात को बहुत ध्यान से, जो मेरा दोस्त है मेरे दोस्त की वाइफ की तबीयत खराब हो चुकी है, ठीक। और अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डॉक्टर है उसने बोला मैं इलाज कर दूंगा, लेकिन इलाज मैं तब करूंगा जब बदले मुझे मिलेगी एक भैंस, क्योंकि आप जानते हो भाई उस समय मनी नहीं था, जब पैसा नहीं था तो गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना। तो वो डॉक्टर बोला कि भाई साहब मैं इलाज कर दूंगा लेकिन बदले में एक भैंस लूंगा। अब भाई मेरे दोस्त के पास तो भैंस नहीं थी, अब क्या करे? तो भाई उसने क्या करा, उसने बोला डॉक्टर साहब आप इलाज करो, मैं भैंस का इंतजाम करता हूं। अब मेरा दोस्त कहां रहता है? मेरा दोस्त रहता है भैया मान लो महाराष्ट्र में और मैं रहता हूं दिल्ली में। अब अगर मान लो पैसा होता, मनी होता, तो वो मुझे कॉल करता और मैं क्या करता, मैं सीधे एक मिनट में झट से मनी को ट्रांसफर करता, पैसे को ट्रांसफर करता और वो वहां पर पैसे पेमेंट करता, इलाज हो जाता। लेकिन दिक्कत तो यही है कि मनी नहीं था। तो अब उसको भाई भैंस की नीड है, तो उसने क्या करा, उसने मेरे को संदेश भिजवाया कि ऐसे तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है, भैंस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को सोचो दिल्ली से महाराष्ट्र तक अपनी भैंस को ले जाना पड़ेगा, वैल्यू को ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है भाई? कितना टाइम लगेगा, कितनी लेबर मींस मेहनत लगेगी, कितनी कॉस्ट कैसे आएगी, इसको बीच बीच में चारा खिलाना, खुद भी खाना, तो टाइम लेबर कॉस्ट सब लगेगा। जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक तो भाभी जी पर लोग सुधार गई होगी। तो ऐसे तो होगा, तो वहां पे क्या था, बार्टर एक्सचेंज में मुश्किल था वैल्यू को यहां से वहां ट्रांसफर करना, लेकिन अगर मनी होता तो मनी को एकदम से यहां से वहां ट्रांसफर कर देते, मनी को एक झटके में ही यहां से वहां ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ में आ गया? क्योंकि बार्टर एक्सचेंज के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो बार्टर एक्सचेंज में लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होती है, वैल्यू को यहां से वहां ट्रांसफर करना काफी खर्चीला होता है, ठीक है ना, काफी लेबर लगती है, मेहनत लगती है और काफी समय भी व्यर्थ होता है। तो ये पांच कमियां थी, जिन कमियों की वजह से बार्टर एक्सचेंज के स्थान पर मनी को, मुद्रा को लाया गया। तो आई होप आपको इन पांचों कमियों के बारे में चला होगा पता कि बार्टर एक्सचेंज की क्या पांच कमियां थी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन एक नंबर में, तीन नंबर में, चार नंबर में कैसे भी पूछ सकता है। अगर एक नंबर में पूछेगा तो क्या करेगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सी बार्टर एक्सचेंज की समस्या नहीं है। तो कोई तीन ऑप्शन दे देगा ये, और कोई चौथा ऑप्शन एक अलग से बना के दे देगा कि ये कमी नहीं है, ठीक है। या क्या बोल देगा, एक नंबर में बोल देगा कि बार्टर एक्सचेंज की किन्हीं दो समस्याओं को लिखो। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है बार्टर एक्सचेंज की कमियों के ऊपर। तो बेटा यहां पे होता है बार्टर एक्सचेंज खत्म, यहां पे होती है बार्टर एक्सचेंज की मृत्यु। अब बार्टर एक्सचेंज खत्म हो चुका है, उसका दी एंड हो चुका है, बार्टर एक्सचेंज की मृत्यु हो चुकी है।
हाँ जी बेटा, तो बार्टर एक्सचेंज तो खत्म हो गया, उसकी तो भाई मृत्यु हो चुकी है, और उसके स्थान पे बेटा क्या आया, उसके स्थान पे आया मनी। तो बेटा हम लोग अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आ चुके हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मनी और उसके कार्य, मनी एंड इट्स फंक्शन, मुद्रा एवं इसके कार्य। अबे मनी क्या है, इसका मीनिंग ये लिखा है बच्चों, देखो ये लिखा है इसका मीनिंग, ऊपर इंग्लिश में लिखा है और नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, और ये उसके फंक्शंस है। बेटा पहले मनी के फंक्शंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही मनी के फंक्शंस क्लियर हो गए, उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो बेटा बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी की, मुद्रा के कार्य की। देखो बेटा मनी का क्या काम है, कार्य मीन्स काम, तो मनी के क्या कार्य क्या काम है, इनके इस काम को, इनके इस कार्य को भाई दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोला गया है प्राइमरी फंक्शन, बेटा क्या बोला गया है, एक को प्राइमरी फंक्शन, या फिर हम इसको मेन और बेसिक फंक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो बच्चों आपको मेन फंक्शंस है, बेसिक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, और जो एक बोला गया सेकेंडरी फंक्शन, जिसको हम लोग सब्सिडरी फंक्शन, सहायक कार्य भी बोल सकते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन आते हैं और सेकेंडरी में दो। बेटा प्राइमरी फंक्शन मीन्स वो फंक्शन कि जब मनी आया तो मनी ने सबसे पहले आते ही क्या काम किया, तो मनी ने सबसे पहले आते ही ये दो काम किए, उसके बाद और भी काम किए, उन्हें क्या बोल दिया, उन्हें सेकेंडरी बोल दिया, लेकिन आते ही पहले जो काम किया मनी ने, आते ही पहले ये दो काम किए, इसलिए ने क्या बोला गया, इनको बोला गया प्राइमरी फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन है मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। अब इसका मतलब क्या है, विनिमय के माध्यम का मतलब क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है। भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि अब वस्तुओं को एक्सचेंज करने के लिए, वस्तुओं को एक्सचेंज करने के लिए, उनको विनिमय करने के लिए यह एक माध्यम बन चुका है, एक मीडियम बन चुका है, सोर्स बन चुका है। मीडियम में सोर्स बोलो, सोर्स ऑफ एक्सचेंज बोल लो, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बात है। इट मीन्स कि अगर मुझे किसी भी पर्सन से कुछ खरीदना है तो अब ऐसा नहीं होता कि भाई तेरे पास वो वस्तु हो तो मेरे को दे दे और मेरे पास जो वस्तु हो तू ले ले, ना जी ना। अब तो मनी है, अब तो हमारे पास क्या है, पैसा है, हम सीधे करें, हम सीधे पैसा देंगे और सामने वाले पर्सन से जो भी खरीदना हो हम लोग खरीद लेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो पैसा है ना ये हर जगह एक्सेप्टेबल है, जो मनी है, जो मुद्रा है, वो हर जगह एक्सेप्टेबल है, इसको हर कोई हर जगह एक्सेप्ट कर लेता है। आज के टाइम पे कोई भी पर्सन मनी को एक्सेप्ट करने से मना नहीं करता कि भैया मनी एक्सेप्टेबल नहीं है। मनी आज के टाइम पे ऐसी चीज बन चुका है जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए अगर हमें आज कुछ भी एक्सचेंज करना हो, कुछ भी खरीदना बेचना हो, तो मनी के माध्यम से पैसा दूंगा, एक्सचेंज करूं। एक्सचेंज मीन्स मेरे पास से पैसा गया, वहां से सामान आया, इसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो आज के टाइम पे कुछ भी किसी भी पर्सन से एक्सचेंज करना हो तो बताओ आज के टाइम पे हम एक्सचेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं, पैसे का। कि कुछ भी खरीदना बेचना हो तो आज के टाइम पे पैसे का यूज होता है। तो बेटा पहला फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम, ठीक है। इस फंक्शंस की वजह से आज के टाइम पे सेल और परचेज दोनों एक्टिविटी अलग अलग हो चुकी है। पहले क्या था, बार्टर एक्सचेंज में अगर मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, फॉर एग्जांपल उस पर्सन ने, पर्सन ए ने मुझसे बोला कि ठीक है, याद है आप लोगों को पीछे वाला एग्जांपल कि मेरे को शुगर, मैं ए था, मेरे को शुगर चाहिए, सामने वाला बी उसको राइस चाहिए, तो ऐसे में करना क्या पड़ता था मेरे को कि अगर मेरे को उससे राइस, अगर मेरे को जो शुगर चाहिए वो राइस नहीं दे रहा तो उससे पूछूंगा कि भाई तुझे चाहिए क्या, तो उसकी नीड के अब सामान मैं लेकर आऊंगा, तो मैं पहले कैसे परचेज करूंगा सामान को, देन इसको सेल करूंगा, तब जाके मुझे शुगर मिलेगी। समझ में नहीं आया भाई, मैं कहना चाह रहा हूं कि सामने वाले पर्सन को चाहिए जो मेरे पास नहीं है और उसके पास जो सामान है वो मेरे को चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसको भैया चाहिए मान लो जूते, उसके पास शुगर, तो उससे शुगर चाहिए मेरे को लेकिन उसको चाहिए जूते, मेरे पास जूते नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ऐसे कस्टमर को ढूंढूंगा जिससे मैं जूते ले सकूं, तो पहले मैं जूते परचेस करूंगा और फिर मैं जूतों को सेल करूंगा, बिकॉज वहां पे बहुत ही कंफ्यूजन थी उस टाइम पे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बहुत ही कम होता था, ऐसा पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे कि हमारे पास जो है वो सामने वाले को चाहिए और सामने वाले के पास जो है वो हमको चाहिए, वहां पे ऐसा इतना पॉसिबल नहीं था। तो वहां पे सेल और परचेस कभी कभी एक साथ ही करने पड़ जाते थे,
लेकिन जब से मनी आया तो सेल और परचेज की एक्टिविटी अलग अलग हो चुकी है। सेल अपना अलग करो, परचेज अपना अलग करो, आपको एक ही टाइम पर दोनों एक्टिविटी करने की नीड नहीं है। अगर एग्जाम में एक नंबर में पूछ ले कि मनी के कौन से, लिख लो कि मनी के कौन से फंक्शंस ने सेल और परचेज की एक्टिविटी को अलग अलग किया, तो पहला फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने, विनिमय के माध्यम ने सेल और परचेज की एक्टिविटी को अलग अलग कर दिया। आज के टाइम पे ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मुझे कुछ परचेज करना हो तो पहले सामान बेचूंगा, सामान बेच के वस्तु मिलेगी तब मैं उसको सेल करूंगा, ऐसा नहीं है। पैसा है तो सीधे सामान जो है क्या करो, सामान खरीद लो, ठीक है ना। ये हो गया पहला फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। इसका मतलब बस यही है कि एक्सचेंज करने के लिए आज के टाइम पे एक मीडियम बन चुका है, एक सोर्स आ चुका है कि अगर आज के टाइम पे कुछ भी एक्सचेंज करना हो, कुछ भी खरीदना बेचना हो तो मनी के माध्यम से, पैसों के माध्यम से आज के टाइम पे आप लोग कुछ भी खरीद और बेच सकते हो। दूसरा फंक्शन मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। बेटा याद रखना जो बार्टर एक्सचेंज की कमियां है, लिमिटेशन है, उन्हीं से बने फंक्शन। बार्टर एक्सचेंज में एक लिमिट थी, एक समस्या थी, एक कमी थी, जिसका नाम क्या था भाई, जिसका नाम था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर एक्सचेंज में बेटा हमारे पास वस्तु की कोई भी कॉमन यूनिट नहीं थी, हमें वस्तु के बदले वस्तु को मेजर करना पड़ता था। लेकिन जब से मनी आया है बेटा, आज के टाइम पे अब हर चीज, चाहे सुई हो चाहे एयरप्लेन, जब से मनी आया है आज के टाइम पे हर चीज की अपनी कॉमन वैल्यू है। आज के टाइम पे हर चीज को हम लोग बेटा रुपीज में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में सभी चीज को INR इंडियन रुपीज में मापा जाता है, अमेरिका में सभी चीज को USD US डॉलर में मेजर करते हैं, क्योंकि अब मनी आ चुका है। तो आज के टाइम पे चाहे चीज छोटी हो चाहे चीज बड़ी हो, उन सबकी प्रॉपर वैल्यू है। तो मेजर ऑफ वैल्यू की वैल्यू को मेजर करने के लिए, वैल्यू को मापने के लिए आज के टाइम पर मनी है। हर चीज छोटी हो या बड़ी हो, उसको हमने कॉमन यूनिट में, उन सबको हम रुपीस के अंदर मेजर कर सकते हैं, उन सबको हम लोग रुपीस के अंदर माप सकते हैं। दूसरा इसमें लिखा है, इसको हम लोग यूनिट ऑफ अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। इस फंक्शन को हम लोग यूनिट ऑफ अकाउंट, बेटा क्या बोला मैंने, यूनिट ऑफ अकाउंट, लेखा की इकाई के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब यह है कि जब से मनी आया तब से अकाउंट बनाना काफी आसान हो गया, क्योंकि जब मनी नहीं था, जब पैसा नहीं था, तब अकाउंट बड़ी मुश्किल से बनते ही नहीं थे यार। ये बताओ जब मनी नहीं था तो बैलेंस शीट कैसे बनती होगी, बैलेंस शीट अगर कैसे बनती होगी कि चार मुर्गी बराबर या चार भैंसे, तब तो अकाउंट बनते ही नहीं थे यार। अकाउंट क्यों नहीं बनते थे, क्योंकि मनी नहीं था। जब से मनी आया तो अब हर चीज की कॉमन यूनिट है, तो अब अकाउंट्स बनाना काफी आसान हो गया, अब प्रॉफिट और लॉस निकालना काफी आसान हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन नंबर टू मेजर ऑफ वैल्यू, कि आज के टाइम पे हर चीज को हम लोग बच्चों एक प्रॉपर यूनिट में, एक प्रॉपर इकाई में माप सकते हैं। तो इन दोनों को हमने क्या बोला जी, इन दोनों को बोला हमने मनी के प्राइमरी फंक्शन। पहला फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा फंक्शन मेजर ऑफ वैल्यू। याद रखो वैसे मीडियम और मेजर, ठीक है। तो ये तो होगा बच्चों प्राइमरी फंक्शन, हमने दोनों पढ़ लिए। अब मनी के सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी मीन्स सब्सिडियरी फंक्शन, सहायक कार्य क्या है, कि ये तो काम तो किए, अच्छी बात है, वेरी गुड, इसके बाद और क्या काम किए। तो बेटा अगला फंक्शन है मनी का स्टोर ऑफ वैल्यू। अब इस स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, इस स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि आज के टाइम पे हम चीजों का आसानी से, आज के टाइम पे हम मनी को कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आज जो उसकी वैल्यू है 50 साल बाद भी उसकी वही वैल्यू रहेगी। 50 का नोट जो आज आपने रखा है बेटा, 50 साल बाद वो नोट 50 का ही होगा, 50 का घट के वो नोट 20 का नहीं बन जाएगा। बेटा फिजिकल नोट की बात करो, ऐसे तो आप बोल रहे हो कि भैया नहीं 50 साल बाद उसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी, बेटा वैल्यू कम होगी लेकिन फिजिकली जो 50 लिखा था, 50 का नोट तो 50 का ही रहेगा ना, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि आप अपनी वैल्यू को, आप अपने मनी को कहीं भी स्टोर कर सकते हो। आज आप अपने पैसों को, आज अपने मनी को बैंकों में स्टोर करते हो और जितना अमाउंट है आपका उतना अमाउंट रहता है। लेकिन बताओ बार्टर एक्सचेंज के अंदर क्या चीजों को स्टोर करना पॉसिबल है? नहीं जी, बार्टर एक्सचेंज के अंदर तो चीजों को स्टोर करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मनी के अंदर तो चीजों को स्टोर करना पॉसिबल है। इतनी सी जगह में, छोटे से लॉकर में पता नहीं कितना सारा पैसा, आप चाहो तो गोल्ड के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में
स्टोर कर सकते हो। आपकी पॉकेट में एक होता है प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक कार्ड बोले तो आपका एटीएम कार्ड, उसमें इतना पैसा स्टोर होता है, बस जेब की पॉकेट में इतना सा उसने स्पेस लिया, फिट हो गया और देखो वो कितना सारा पैसा आपका स्टोर कर लेता है। इट मीन्स मनी को हम लंबे समय तक कभी भी भविष्य के लिए स्टोर कर सकते हैं। देखो ना, मनी है, पैसा है, जिसकी वजह से तो आज के टाइम जो फादर होते हैं, फादर जो होते हैं आज के टाइम पे पहले ही पैसा स्टोर करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, क्योंकि मनी को स्टोर किया जा सकता है कि बच्चा पैदा हुआ अब उसके भविष्य के लिए पैसा स्टोर करना पापा जी ने शुरू कर दिया। तो उसको क्या बोलते, इसको ही बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम अपनी परचेजिंग पावर स्टोर कर रहे हैं। भाई ये बात तो, एक बंदा 50 साल तक काम करेगा, 60 साल तक काम करेगा, उसके बाद तो काम नहीं करेगा, तो कैसे खाएगा? उसने जो पैसा स्टोर कर रखा है उसने जो अपनी परचेजिंग पावर स्टोर कर रही, उसने 60 साल का हो गया और आज उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए है। इसका मतलब है कि वो 20 लाख रुपए से अभी भी बैठा बैठा बिना कुछ काम किए मार्केट में डिमांड कर सकता है। 20 लाख रुपए से उसकी परचेजिंग पावर है, कि परचेजिंग पावर मीन्स 20 लाख रुपए का सामान खरीदने की उसकी क्षमता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पैसे को स्टोर कर रखा है। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू काफी अच्छा फंक्शन है मनी का, कि मनी को हम आज स्टोर कर सकते हैं भविष्य के लिए, ना तो खराब होता, ना तो ये इसकी वैल्यू घटती, 10 लाख का 10 लाख रहेगा, ठीक है। तो ना तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, ना ये खराब होता, ना इसकी वैल्यू घटती। तो खराब हो भी जाए, खराब मीन्स अगर 50 का नोट नया था, थोड़ा पुराना हो भी गया, तो उसकी वैल्यू घट जाएगी? नहीं जी, जो आज 100 रुपए का नोट है, एक है नया नोट, एक है पुराना नोट, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मनी पेरिशेबल नहीं होता, मनी की वैल्यू नहीं घटती, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका एक और नाम है बेटा, याद रखना, स्टोर ऑफ वैल्यू का एक और नाम है, इसको लिख लो बेटा। हम लोग उसको असेट फंक्शन ऑफ मनी लिख लो बच्चों, कहीं भी लिख लो उसको, स्टोर ऑफ वैल्यू को बच्चों हम लोग असेट फंक्शन ऑफ मनी भी बोलते हैं। मनी का संपत्ति कार्य, असेट फंक्शन ऑफ मनी लिख लो बच्चों, मनी का, मुद्रा का संपत्ति कार्य, हम इसको असेट फंक्शन ऑफ मनी भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेगा कि स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, या स्टोर ऑफ वैल्यू को और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग असेट, क्योंकि मनी यहाँ पे एक असेट की तरह काम कर रही है, और असेट वो होती है जिसका प्रयोग हम आने वाले कई साल तक करते हैं। आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स के अंदर कि एसेट वो होती है जिसका प्रयोग हम आने वाले कई वर्षों तक करते हैं, और मनी हमारी एसेट है, संपत्ति है, हम इसको स्टोर करके आने वाले कई वर्षों तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको बोला गया स्टोर ऑफ वैल्यू। और मनी का आखिरी फंक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। यस, आप जानते हो कि बार्टर एक्सचेंज में डेफर्ड पेमेंट्स मीन फ्यूचर में होने वाली पेमेंट, तो बार्टर एक्सचेंज में फ्यूचर में होने वाली पेमेंट करना काफी मुश्किल था, लेकिन जब से मनी आया तो फ्यूचर में होने वाली पेमेंट आसान हो गई। आज के टाइम पे आप प्रॉपर प्रिंसिपल अमाउंट, कि मैंने कितना लोन लिया, वो उस पे कितना इंटरेस्ट पे करना है, वो आराम से निकाल सकते हो। लेकिन जब बार्टर एक्सचेंज था, क्या प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट निकालना इतना पॉसिबल था? तब प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर लगने वाले इंटरेस्ट को निकालना इतना पॉसिबल नहीं था। दूसरा, बार्टर एक्सचेंज के अंदर तो सेम क्वालिटी की गुड्स वापस भी नहीं कर पाते थे, कि अगर मैं चावल लेके आया तो कंपलसरी नहीं है कि मैं सामने वाले पर्सन को बदले में सेम क्वालिटी के चावल दूंगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर मैं 10,000 रुपये लेकर आया तो बदले में, फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, मैं सामने वाले पर्सन से 2,000 के मैं 5 नोट लेकर आया, इट मीन्स मैं 10,000 रुपये लेकर आया। अब अगर मैं सामने वाले पर्सन को ऐसे बोलूं कि भैया मुझसे 500 के 20 नोट ले लो, तब भी कितना अंदाजा, तो वो मना कर देगा कि नहीं, मैंने जिस क्वालिटी के नोट दिए थे, मैंने जॉन से नोट दिए थे, मेरे को वही वापसी करो, मैंने 2,000 के नोट दिए थे, मेरे को 2,000 के नोट चाहिए, ऐसे बोलेगा? नहीं जी नहीं, मनी में ऐसा नहीं होता कि आप जिस क्वालिटी का नोट लेकर आओ आप उसी की, मैंने तो तुमको करारा नोट दिया था, मैंने तो एटीएम से निकाल के चकाचक गरम गरम करारा सा नोट दिया था जी, मेरे को भी चकाचक गरम गरम करारा सा नोट, ऐसा होता है क्या? नहीं जी नहीं, मनी में ऐसा नहीं होता। मनी की क्वालिटी छोड़ो, मनी की वैल्यू सेम रहती है। क्वालिटी मीन्स कैसी भी, चाहे वो नोट थोड़ा पुराना हो, चाहे नोट थोड़ा नया हो, वैल्यू दोनों की सेम होती है। नए नोट और पुराने नोट की वैल्यू अलग अलग मनी के अंदर नहीं होती। तो यहाँ पे क्वालिटी सेम होती है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट निकालना बच्चों क्या होता है, काफी अधिक आसान होता है।
तो ये है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, ठीक है ना। और क्योंकि मनी एक्सेप्टेबल है, इसको हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, इसकी वजह से ये फंक्शंस और अच्छा हो गया, ठीक है भाई। तो ये है मनी के चार फंक्शन, ठीक है। तो मनी के चार कार्य, अब मैं इन चारों कार्यों को समझाऊंगा, तो इनकी डेफिनेशन में आपको चारों कार्य मिल जाएगी और मनी की डेफिनेशन काफी इजी हो जाएगी। तो बताओ ये मनी के चार काम क्यों है? क्योंकि जो बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशन को खत्म करने के लिए, उसकी समस्याओं को खत्म करने के लिए ये मनी के चार फंक्शन आए। तो बच्चों 1, 2, 3, 4 इन चारों फंक्शंस को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से इनको समझ लो। अब भाई इसकी करते डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन काफी आसान हो गई। तो क्या बोलता है? मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग। पहली बात तो ये, मनी कुछ भी हो सकता है, मनी कोई भी वस्तु है, विच इज जनरली एक्सेप्टेबल। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये 500 का नोट ही मनी होगा या ये 2000 का नोट ही मनी होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मनी कुछ भी हो सकता है। कंडीशन मनी की ये होती है कि उसको बस हर कोई एक्सेप्ट कर ले। आज के टाइम पे 500 और 2000 का नोट एक्सेप्टेबल है कि आज के टाइम पे इन 500 और 2000 के नोट को हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए इनको मनी बोला गया। लेकिन मान लो कि अब घोषणा हो गई कि मार्कर, सरकार ने घोषणा कर दी कि मार्कर को हर कोई एक्सेप्ट करेगा, वस्तु को खरीदने बेचने के लिए ब्लू कलर के मार्कर का प्रयोग किया जाएगा, तो अब ये मनी कहलाएगा। बिकॉज अब वस्तु खरीदने बेचने के लिए पूरे इंडिया में कुछ भी खरीदना बेचना हो तो मार्कर का हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इसको भी क्या बोलूंगा, अब ये मनी बन गया मेरे लिए। अब मेरे लिए क्या बन गया, ये मनी बन गया। अच्छा एक बात बताऊं, जो चेक होता है, चेक आपने देखा होगा कि बैंक चेक होता है, अब वो चेक तो मनी नहीं है। क्या उस चेक के ऊपर छपे गांधी जी? जी नहीं छपे। क्या उस चेक को सरकार ने छापा? नहीं, सरकार ने नहीं छापा। लेकिन उस चेक को हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है एक्सचेंज करने के लिए, वस्तु खरीदने बेचने के लिए, इसलिए वो चेक भी मनी के बराबर ही काम करता है। लेकिन क्या वास्तव में वो कागज का टुकड़ा कोई मनी है? वास्तव में वो कागज का टुकड़ा मनी नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है, जनरली एक्सेप्टेबल, सामान्य तौर से उसको हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ कुछ भी खरीदना बेचना हो हम चेक को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए चेक भी मनी के बराबर है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मार्कर, कि भाई मैं मान लो मैं हूं मोदी जी और मैं मोदी जी बन गया, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये मार्कर है और इस मार्कर को आज रात्रि 12 बजे से इस मार्कर को खरीदने बेचने के लिए, कुछ भी खरीदना बेचना हो इस मार्कर का यूज होगा, ब्लू कलर के मार्कर का यूज किया जाएगा खरीदने बेचने के लिए, एक मार्कर का मूल्य 10 रुपए के बराबर होगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, अब ये मनी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसको हर कोई एक्सेप्ट करेगा खरीदने बेचने के लिए। मैंने बोला कि ये डस्टर, कि डस्टर का यूज होगा खरीदने बेचने के लिए, पूरे इंडिया में हर कोई डस्टर का यूज करेगा वस्तु खरीदने बेचने के लिए, तो इसको मनी बोलूंगा। तो मनी का मतलब सिर्फ इन नोटों से नहीं होता, मनी कुछ भी हो सकता है जिसको एक्सचेंज करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए एक्सेप्ट किया जा सके। सिंपल सी बात यह है, ये शर्ट भी मनी बन सकती है अगर इस शर्ट का प्रयोग पूरे इंडिया में वस्तुएं खरीदने बेचने के लिए हो। समझ में आ रहा है? मैं ये कड़ा भी मनी बन सकता है अगर इसका प्रयोग पूरे इंडिया में वस्तु खरीदने बेचने के लिए हो। किसी भी चीज का प्रयोग यदि हम किसी भी प्रकार की वस्तु खरीदने बेचने के लिए करें तो उस चीज को मनी मुद्रा बोल दिया जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे हम इनका यूज करते हैं खरीदने बेचने के लिए, तो इन्हें मनी बोलते हैं। समय में आ गया? तो ठीक है भाई, तो मनी बोलता है, मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है जिसको जनरली एक्सेप्टेबल कर सके। अब एक्सेप्टेबल किस किस रूप में हो? तो पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि कुछ भी एक्सचेंज करना हो, कुछ भी एक्सचेंज में कुछ भी खरीदना बेचना हो, अगर मैं किसी भी चीज को एक्सचेंज के रूप में खरीदने बेचने के लिए यूज करूं तो मनी कहलाएगा। दूसरा एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सके। और चौथा मींस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, भविष्य के भुगतानों के लिए भी उसका यूज किया जा सके। तो कोई भी ऐसी चीज जो ये चारों काम करे, पहला काम मीडियम, फॉर एग्जांपल अगर इस मार्कर का यूज
मैं एक्सचेंज करने के लिए यूज कर सकता हूँ, किस मार्कर का प्रयोग कर सकता हूँ, कुछ भी एक्सचेंज करना हो, इट मीन पहला फंक्शन पूरा हो गया। किस मार्कर को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी खरीदने बेचने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू, मैं अब हर चीज की जो हर चीज जो भी है इंडिया में, मैं उन सबकी लिख रहा हूँ वैल्यू मार्कर में, कि अगर आपको खरीदना है एक लैपटॉप तो आपको देना पड़ेगा 10,000 मार्कर, अगर आपको खरीदना है बेटा मान लो एक कार तो आपको देने पड़ेगा 1,00,000 मार्कर। तो अब मैं हर चीज की वैल्यू किसमें रख रहा हूँ, मार्कर में। स्टोर ऑफ वैल्यू, मार्कर को स्टोर भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स और फ्यूचर की पेमेंट, लोन वोन भी हम मार्कर में ही लेन देन कर रहे हैं, तो मार्कर क्या कहलाएगा, अब यह मार्कर मनी कहलाएगा। तो मनी बोल रहा हूँ बेटा बार बार, मनी कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन ये है वो चारों फंक्शन पूरे कर दे, ठीक है। तो बोलता रहा है, ये थोड़ी बोला है, इसे बताओ क्या डेफिनेशन में ये लिखा है कि मनी इज 500 रुपये का नोट, ये लिखा है डेफिनेशन में कि मनी इज 500 रुपये, मनी इज 100 रुपये, मनी इज 1,000 रुपये, मनी इज 2,000 रुपये, ये तो नहीं लिखा। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मनी इज एनीथिंग, मतलब कुछ भी मीन्स कुछ भी, बस वो कब कहलाएगा मनी, जब उसको जनरली एक्सेप्टेबल हो, हर कोई लोग उसको एक्सेप्ट कर ले। किन किन रूप में, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी खरीदना बेचना उसके लिए। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज की वैल्यू उसमें निकाली जाए, कुछ भी खरीदना बेचना हो तो हर चीज की वैल्यू मार्कर में हो। तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको स्टोर कर सके। चौथा मींस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, भविष्य में जो भुगतान है वो हम उस मार्कर में कर सके, तो मार्कर मनी कहलाएगा। फिलहाल इन सब में होता है, फिलहाल जो चारों फंक्शन है, फिलहाल जो चारों फंक्शन है वो इन नोटों में अवेलेबल है, तो इसे मनी कह रहे हैं। फिलहाल 1, 2, 3, 4 जो चारों फंक्शन है वो इन करेंसी में, इन नोट में अवेलेबल, इनको मनी कहा जा रहा है। तो आई थिंक मनी का मतलब समझ में आ गया। आप देख सकते हो कि मनी की डेफिनेशन में ये चारों फंक्शन यही है, 1, 2, 3, 4 जो चारों फंक्शन है यही मनी की डेफिनेशन में लिखे हुए हैं, कि मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, जो क्या हो, पहला विच इज जनरली एक्सेप्टेबल, पहला फंक्शन एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा फंक्शन एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, चौथा फंक्शन मींस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये चारों फंक्शन मिलाकर बच्चों क्या बनी है, मनी की डेफिनेशन, कि जो भी चीज ये चारों काम पूरे करेगी उनको मनी कहा जाएगा। और यही बात लिखी हिंदी के अंदर कि मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, पहला फंक्शन, दूसरा मूल्य की मापक होती है, तीसरा मूल्य का संग्रहण स्टोर ऑफ वैल्यू करती है, और चौथा स्थगित भुगतानों की मापक इकाई होती है। ये चारों फंक्शन लिख दूंगा, मनी की डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है भाई। तो आपको उन चारों फंक्शंस को याद करना है, ठीक है बेटा। इसके लिए हम एक छोटी सी पोयम बनाई है, छोटी सी पोयम है, छोटी सी पोयम के माध्यम से भी इन चारों फंक्शंस को हम लोग बेटा याद कर सकते हैं। छोटी सी पोयम के माध्यम से भी जो चार फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मैंने बेटा थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है मैंने, 1, 2, 3 जब इन चारों फंक्शन को बेटा कर लूंगा तो मनी कंप्लीट हो जाएगा। ये चार फंक्शन है मनी के, तो छोटी सी पोयम है बेटा, साथ साथ उस पोयम को बोलना। यहां मैं बोलूंगा, वीडियो में मैं बोलूंगा, वहां पर आप बोलोगे, साथ साथ बोलोगे, तभी बेटा ये पोयम याद हो पाएगी कि मनी के चार फंक्शन कौन कौन से है। तो बेटा साथ साथ बोलेंगे, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, भाई साथ साथ बोलना है, साथ साथ मीन्स एक लाइन मैं बोलूंगा, एक लाइन आप बोलना, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, 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 अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर, बन गई पोयम। हंस रहे हो नलायको, लेम बोल रहे हो। तो मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर, देखो ना बेटा राइमिंग बन तो रही है, फोर और स्टोर नहीं बन रही, देखो ना स्टोर लिखा है, कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। अ मीडियम मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
अ मेजर मींस मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टैंडर्ड मींस स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, स्टोर मींस स्टोर ऑफ वैल्यू. तो मनी इज अ मेजर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर. ठीक है भाई, तो ये तो हो गया मनी की डेफिनेशन. बेटा मनी की डेफिनेशन को लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी की डेफिनेशन को लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये डेफिनेशन एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है बिना झिझके, बिना डगमगाए. एग्जामिनर इस डेफिनेशन को क्वेश्चन पेपर में डाल सकता है. तो मनी की डेफिनेशन तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट. और अगर बच्चों बात करें इसके फंक्शंस की, थोड़ा याद रखना जो हमने चार फंक्शन पढ़े जिन पे हमने करीब करीब अपना 20 से 25 मिनट फूके इन चारों फंक्शन पे. ठीक है, एक पोयम भी पढ़ी कि मनी इज अ मेजर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर. थोड़ा याद रखना चारों फंक्शन एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो. नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं. फंक्शन एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन बेटा हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम पढ़ते हुए चले गए, आपकी बुक्स में गिवन है. एग्जाम में आने के चांस इनके, ये मान लो एग्जाम में आने के चांस इनके 0.01% है एग्जाम में आने के चांस. बट बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया, कोई नहीं. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इस वीडियो को फिनिश करते हैं. अगली क्लास में आऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा अपने कंसेप्ट नंबर 3 के साथ. और बेटा वो कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी सीरियस, वो सच में इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पक्का आएगा. उसके बिना तो बेटा याद रखना पेपर बनेगा ही नहीं, वो तो पक्का एग्जाम में आना आना है. ठीक है भाई, तो ओके, थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगली वीडियो में. जब तक मैं ना मिलूं, दुआओं में याद रखना.